जय श्री राम गाइस, आप लोग देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण। उद्घाटन से पहले मंदिर प्रांगण का जो प्रमुख गेट था उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, साथ में इसके कलर करने का कार्य और इसका नकाशी का कार्य भी पूर्ण रूप से आप देख पा रहे हैं हो गया। और दूसरे तल का कार्य पहली वीडियो में कुछ बचा हुआ था, जबकि दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं पूरा कार्य पूर्ण हो चुका है। इस जो गेट की लंबाई है वह 20 मीटर है, साथ में आप देख रहे हैं बगल में गुब्बारा बेच रहा है, वह भी कलर मैट लाइटें जल रही है, परंतु प्रमुख गेट पर राम जन्मभूमि की अभी लाइटें नहीं जल रही है क्योंकि इसका लाइट इमरजेंसी के कारण बंद किया गया। आप देख रहे हैं दूसरा गेट भी बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और इसका जो निर्माण कार्य है, इसके निर्माण कार्य में 2 महीने का समय लगा था और करीब 20 मजदूर मिलकर 2 महीने का समय लगाए हैं, तब जाके हमारे आराध्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण का जो नकाशी का कार्य था और डिजाइन का कार्य था पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। और इस गेट की जो लंबाई है वह 20 मीटर होने वाली है और इसमें जो लाइटिंग की गई है वह पूरा टाइल व्यवस्था लगाया गया है और अभी भी इस मंदिर के बगल जो फर्श का निर्माण कार्य है वह चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। साथ में जो दूसरा गेट है उसका भी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी ध्यान में रखा गया है। और वो दूसरे मंजिले का भी जो द्वितीय तल का कार्य था वह भी पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में उद्घाटन से पहले आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे थे और कार सेवक पूरम में रुके। मैं विवेक कुमार रामगढ़ झारखंड से आया हूँ जी। और जब हम लोग सुने कि अयोध्या मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाली है तो हम लोग रामलला की इतनी परम भक्त करने के लिए परम भक्त हैं और हमारे हिंदुत्व के सनातन धर्म के लिए भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, तो हम लोग तो रामलला को दर्शन करने के लिए चल दिए। तो आप किससे आए हैं? हम लोग बाइसाइकिल से आए हैं, साइकिल यात्रा करके। झारखंड से आप लोग बाइसाइकिल से सीधा यहाँ अयोध्या में आए हैं? हाँ, साइकिल से यात्रा करके आए हूँ, कम से कम 700 किलोमीटर चला कर आया हूँ। है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण का जो प्रमुख गेट है, जो राम जन्मभूमि गेट है उसे हम आपको दिखा रहे हैं। काफी बड़ा और विशालकाय बना है राम जन्मभूमि पर। जो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो नकाशी की गई है ये जैसे मंदिर में की गई थी, ये पूरी नकाशी, ये पूरा बनाया गया जो स्ट्रक्चर है ये सेम मंदिर के तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाया गया है और जो पिलर लगे थे इसमें भी सीमेंट का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, पूरा उसी तरह से पत्थरों का उपयोग किया गया। साथ में आप देख रहे हैं जो यहाँ लाइटिंग का कार्य किया गया है ये वाटर प्रूफ है, इसके ऊपर शीशा लगा है, हम लोग अंदर हाथ नहीं डाल सकते हैं। और हम आगे चल के दिखा रहे हैं, ये गेट काफी विशाल का है और बड़ा बना हुआ है, आप देख पा रहे इसकी, इस गेट की जो ऊंचाई रहने वाली है वह 20 मीटर है। और इसके साथ ही आप दूसरा गेट देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, उस गेट की और इस गेट की जो दूरी है आपस में वह करीब 30 मीटर है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही ध्यान में रखा गया है, तब आप जाके कहीं गेट का निर्माण कार्य हो पाया है। और आप देख रहे हैं वहाँ आरजेबी की जो पुलिस है और पीएससी की जो बैच है वो खड़ी हुई है। वीडियो में जो ताला देखा था वो करीब 600 कुंटल का था और उसकी 400 कुंटल की तो चाबी है, कितनी बड़ी चाबी होगी आप लोग समझ सकते हैं, वो सब यही लगेगा जो गेट बन रहा है यहीं पे लगेगा। तो आपको हम दिखाते हैं पहले मेन गेट और उसके बाद हम आगे चलते हुए आपको पूरा नजारा दिखाते हैं राम जन्मभूमि पथमार्ग का, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं जो मंदिर प्रांगण के प्रमुख गेट का निर्माण कार्य किया गया उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आकृति बनाई गई है, आप देख पा रहे होंगे कमल का आकार, सुराही का आकार है और इसमें अष्टकोण का आकार भी बनाया गया है जो कि काफी दिव्य और भव्य है। इसे 2 मंजिले का बनाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन का उपयोग नहीं किया गया, सब अपने हाथों के द्वारा निर्मित किया गया, सब मकराना पत्थर है जो कि राजस्थान से लाए गए थे, दूसरा तल और प्रथम तल दोनों आप देख सकते हैं। साथ में आप यह भी देख सकते हैं कि अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक बस चालू कर दिया गया है, अब इसका करीब अयोध्या में 200 इलेक्ट्रॉनिक बस को चलाया गया है जो कि रामपथ मार्ग पर लगातार चलेंगे। और इसका जो आयोजन उद्घाटन था वह किया गया है 14 जनवरी को कर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे 100% इलेक्ट्रॉनिक बस है जो कि जा रही, यह निशुल्क है, यह अभी जब तक उद्घाटन कार्य चल रहा है 22 जनवरी तक तब तक यह निशुल्क चलाई गई है, आप देख पा रहे होंगे। साथ में अब बस चली गई है और अब आप देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर प्रांगण का दूसरा गेट था उसका भी पूर्ण रूप से कार्य पूरा हो चुका है, अब प्रथम तल और द्वितीय तल दोनों ही यह कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो नकाशी इसमें किया है उसमें व्यक्तियों की संख्या थी जो कि राजस्थान से आए थे, बिहार से, इन दोनों
जगहों से आए थे, उन्होंने ही इसका निर्माण कार्य किया है। हालांकि मंदिर प्रांगण के निर्माण में कई जगह से लोग आए थे, पर मेन गेट के निर्माण कार्य में इन्हीं दोनों लोगों का सहयोग था, दोनों राज्यों के लोगों का सहयोग था जो कि राम भक्त थे और उन्हीं को यह कार्य मिला था। और आप हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे गुटके रखे हुए हैं, ये मंदिर प्रांगण के प्रमुख गेट के बगल लगेंगे जो कि रोड साइड पे लगेगा ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और दूसरे साइड आप देख रहे हैं गेट के बगल में जो पार्किंग एरिया बन रही है, और मंदिर प्रांगण के दूसरे गेट पर भी काफी दिव्य तरीके से नकाशी किया गया है जो कि देखने में काफी बेहतरीन है। और प्रथम गेट द्वितीय गेट इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह करीब 30 मीटर यानी 30 मीटर है और इन दोनों गेटों की लंबाई 20-20 मीटर है। और आप देख रहे हैं जब मंदिर प्रांगण के आप अंदर घुसेंगे तो आपको देख रहे हैं कितना प्रशासन सामने लगा हुआ है। ये CRPF है, RGB राम जन्मभूमि का जो स्पेशल फोर्स है वह है, PSC बल लगाया गया है। आप देख रहे हैं आगे पहले टर्नल बनाया गया बंद करने का, और फिर जब हम आगे चलेंगे तो आपको सबसे पहले आरती पास काउंटर मिलेगा, फिर निशुल्क हेल्प सेंटर मिलेगा, निशुल्क लॉकर मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे निशुल्क लॉकर सेवा, और फिर आगे बढ़ेंगे निशुल्क हेल्प सेंटर और निशुल्क व्हील चेयर। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति नहीं चल पाता है तो उसे व्हील चेयर मिलता है, यदि उसे चलाने वाला है तो कोई बात नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, पर अगर कोई नहीं चलाने वाला है और यहाँ मंदिर प्रांगण से किसी व्यक्ति को हायर किया जाता है तो उसे 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। यह प्रमुख है, आप देख पा रहे होंगे निःशुल्क व्हील चेयर की सुविधा लिखी है। और आरती पास जो राम जन्मभूमि में आरती होती है 6 बजे की, उसके लिए जो पास बनता है उसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का नजारा आपको दिखाते हैं जो पूरा जन्मभूमि पथमार्ग। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि पथमार्ग पर। अभी हमने आपको गेट दिखाया था, साथ में आपको निशुल्क लॉकर की सुविधा, व्हील चेयर की सुविधा और निशुल्क पास की सुविधा दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे पीछे जो टीन का कार्य था यह पूर्ण रूप से हो चुका है। पहले अभी हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था जहाँ पे ये लाइटें लग रही थी, पर अब जो टीन सेट लगा है उसकी लाइटें लग चुकी हैं और उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। वहाँ पे जो टाइल्स पत्थर ये सब लगाए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे हमारे लगे हैं जो गेट का जो इसका जो है मेन पिलर बनाया गया है ये सब मकराना पत्थर इसमें लगाया गया है आप देख पा रहे होंगे। साथ में टीन सेट के ऊपर जो लाइटें हैं, जो यहाँ जो लाइटें लगी है वो चमक दमक रही है और अच्छी खासी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे यात्रियों को बैठने की सुविधा अच्छी खासी दी गई है आप देख पा रहे होंगे। और आगे चलते हैं हम आगे का नजारा दिखाते हैं, साथ में आपको प्रत्येक पिलर पे आपको देखेंगे कैमरा दिखाई देगा आप देख पा रहे होंगे, पीछे हमारे लगा हुआ है लगभग 2-3 कैमरे लगे हैं। तो इसी प्रकार से कैमरा लगा, हम लोग आगे चलते हैं और आगे का नजारा आपको दिखा। गाइज हमने आपको अगले वीडियो में दिखाया था कि जब जो पथ मार्ग पे स्थापित किए गए टीन सेट थे उसमें लाइट लग रही थी, मतलब पूर्ण रूप से लाइटें नहीं जल रही थी, पर अब आप देख सकते हैं लाइटें भी लग गई हैं और नीचे जो अष्टकोण का डिजाइन बना था मंदिर प्रांगण के जो राम जन्मभूमि फर्श पर है वह भी बन चुका है। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, झाड़ू लगाकर इसे साफ किया जा रहा है क्योंकि दिन में भक्तों की संख्या इतना अधिक होता है कि झाड़ू लगाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है आप देख पा रहे होंगे। और आप यह भी देख रहे हैं कि जो टीन सेट है इसमें जो आकृति बनाई गई है यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया है। मंदिर प्रांगण के जो प्रमुख सामने टीना लगाया गया उसमें भी आकृति बनाई गई है और पूरे टीन सेट पे पत्थर से द्वारा इसमें लेयर लगाकर उसे चिपका दिया गया। आप देख रहे होंगे जो लाइटें हैं वह LED लाइटें हैं जो कि शुरू से अंत तक लगाई गई हैं। और इस समय हम सुग्रीव किला के पास हैं, जब हम लोग बिरला धर्मशाला से आगे बढ़ते हैं तो सुग्रीव किला मिलता है, फिर आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं जो दीवार पे आकृति बनाई गई है काफी अच्छे से हम आपको पास से ले चल के दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो प्रकार के पत्थर लगाए गए हैं और इसमें जो आकृति बनाई गई है हम सबके बारे में आपको डिटेल बाय डिटेल बताते हैं, आप लोग बने रहिए। जो ये सफेद पत्थर आपको दिख रहा है ये मिर्जापुर से आया है, पूर्ण पूरा पत्थर जितना पूरे मंदिर प्रांगण में लगा है वह पूरा। और ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा जो मतलब ब्राउन कलर भूरे कलर का है इसकी जो आकृति है काफी सुंदर आकृति है और ये मकराना पत्थर है जो कि राजस्थान से आया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे इस तरह बनाया गया बिना दीवार के और ये पत्थरों से, तो ये इसमें नेट लगाया गया है, नेट की वजह से ये यहाँ पे नेट ऐसे ऐसे कई जगह पे लगा के ताकि ये दबाव बना रहे और ये पत्थर आराम से टिका रहे, कोई दिक्कत ना हो। और इधर पीछे दीवार भी है इसके साथ, तो आप देख रहे हैं पीछे से दीवार है और आगे से जो ये पत्थर है ये पत्थर का निर्माण कार्य किया गया। और इसी प्रकार से यहाँ से जो 800 मीटर की दीवारें हैं उन सभी दीवार पर पूरा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से निर्माण कार्य किया गया और इसी प्रकार से ही हम आपको अभी आगे चलेंगे दिखाएंगे। यहाँ पे इतना ही नहीं, पूरा 800 मीटर से ज्यादा जो सड़क बन रही है उन सभी पर जो राम जन्मभूमि पथमार्ग है आप सीधा देख पा रहे हैं
जाएंगे। इधर से जब आप बिरला धर्मशाला से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लेकर और पूरा लास्ट तक आपको यही पत्थर दिखाई देगा और इसी प्रकार की डिजाइन दिखाई देगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का नजारा आपको दिखाते हैं। ये जो पत्थर का कार्य है, जो आकृति बनाई गई है, यह राम मंदिर से लेकर और बिरला धर्मशाला पूर्ण रूप से पूरा बनाया गया है, जो कि आप सामने टाइल्स देख रहे हैं। इन्हीं टाइल्सों को काटकर इस प्रकार से स्ट्रक्चर का और निर्माण कार्य किया गया है, जो कि काफी सुंदर है, काफी सराहनीय है और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। रात का व्यू तो और ही अलग है, क्योंकि काफी सुंदर तरीके से इस आकृति को बनाया गया है और इसका जो निर्माण कार्य हुआ है वह पूर्ण रूप से अब समाप्त हो चुका है पूरे मंदिर का कार्य। तो फाइनली एक सब्सक्राइबर हैं जो मिले हैं, अभी हम आपसे मिलवा रहे हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं और कब पहुँचे हैं, तो इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो भैया कब आए हैं? हम आए हुए हैं अभी, कल पर आए हुए थे और कार सेवकपुरम में रुके। मैं विवेक कुमार, कहाँ से आए? रामगढ़ झारखंड से आया हूँ जी। और जब हम लोग सुने कि अयोध्या मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाली है, तो हम लोग रामलला की इतनी परम भक्त करने के लिए परम भक्त हैं और हमारे हिंदुत्व के सनातन धर्म के लिए भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, तो हम लोग तो रामलला को दर्शन करने के लिए चल दिए। तो आप किससे आए हैं? हम लोग बाइसाइकिल से आए हैं, साइकिल यात्रा करके। झारखंड से आप लोग बाइसाइकिल से सीधा यहाँ अयोध्या में आए हैं? हाँ, साइकिल से यात्रा करके आए हूँ, कम से कम 700 किलोमीटर चला कर आए हूँ। 700 किलोमीटर साइकिल चला है, फिर अयोध्या में आप आए हैं? हाँ। दर्शन करने के लिए? अभी दर्शन हुआ नहीं हुआ? दर्शन हो गया है, एक बार मंदिर का दर्शन हुआ है। हाँ। और 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद 26 जनवरी तक हम लोग यहाँ रहेंगे, अच्छे से दर्शन करके राम अच्छा घूमेंगे टहलेंगे फिर जाएंगे। हाँ। चलिए ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर से मिला, काफी अच्छा लगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का नजारा दिखाते हैं। जो ये रास्ता है यह करीब 800 मीटर का है, जो कि हम पूरा रास्ता आज आपको पूरे डिटेल में दिखाने वाले हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले अभी सुग्रीव किला मिला था, फिर भाई सब्सक्राइबर मिल गए थे सुग्रीव किला के बगल में, साथ में हम और आगे चलेंगे तो आपको एक पेड़ दिख रहा है, उस पे लाइटें लगाई गई हैं, काफी चमक रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को विशेष ध्यान में रखा गया है, यहाँ जहाँ पेड़ है उसके ठीक नीचे सुरक्षा व्यवस्था के पीएससी के जवान और राम जन्मभूमि के जो पुलिस कर्मचारी हैं वह बैठे हैं सुरक्षा व्यवस्था, और साथ में यहाँ की सफाई भी लगातार चलती रहती है। आप देख पा रहे होंगे पेड़ में लाइटें लगाई गई है, दूर से देखने में काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो जन्मभूमि पथ मार्ग के बगल में आप देख रहे हैं जीने का कार्य चल रहा है, जो कि पीछे वाली जो मंदिर है उस पे भी लोग आ जा सके, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। आप देख रहे हो कि जो अयोध्या नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं वे साफ सफाई के मामले में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य चल रहा है। आप जब सीधे चलेंगे तो आपको इधर जो सड़क है यहां से रास्ता बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर से फोर व्हीलर जाएगी और इधर का भी रास्ता खोल दिया जाएगा। जिधर से आप गाड़ी देख रहे हैं पुलिस के जवान जा रहे हैं, इधर का रास्ता गाड़ी वाला रहेगा, जबकि अंदर का रास्ता रहेगा पैदल यात्रियों के लिए। अंदर दो तरीके से यात्रा रहेगा, इसीलिए इसको बीच में लगाया गया कि गाड़ी वाले इधर ना आए और पैदल वाले उधर ना जाए। पैदल वाले तो जा सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार से जो यह स्टील का जो ये ब्रेकर बनाया गया है इसे रास्ते में खड़ा किया जाएगा और फिर इसी के द्वारा लोगों को रोका जाएगा ताकि लोग इसके अंदर ना जा पाए। यह सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते ही इसका निर्माण कार्य हो रहा है। हम साथ में चल रहे हैं और आपको एकदम पास का नजारा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसे मेन गेट पे लगाया जाएगा ताकि जो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं वे लोगों के रास्ते पे ना आए और लोग आराम से जा सके। और फिर हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं, अभी भी आज 16 जनवरी है और आज भी निर्माण कार्य अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया राम जन्मभूमि पथमार्ग का। अभी भी आप देख रहे हैं कि बीच में शटरिंग का कार्य लगा है, ऊपर रंग कलर करने का कार्य भी चल रहा है, साथ में लाइटिंग के कार्य चल रहा है। हम बगल से आपको घूम के आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, फिर साथ में हम चलेंगे। यहाँ तीन रास्ते बनाए गए, एक तरफ जहाँ क्रेन खड़ी है, दूसरा जहाँ व्यक्ति पैदल आ रहा है और तीसरा जो बाई रोड जहाँ पे हम लोग मौके पे खड़े हैं। इन तीनों रास्ते में वहाँ विश्राम वाला रास्ता रहेगा, कोई भी व्यक्ति आता है थक जाता है तो वहां बैठकर जा सकता है, और जबकि जिधर से पैदल दो व्यक्ति आए हैं इधर से हम लोग पैदल जा सकते हैं। और जो ये सामने रेड और ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसी के द्वारा इसी को लगा लगा कर रोका जाएगा, क्योंकि मंदिर प्रांगण में भक्तों की संख्या काफी ज्यादा होने वाली है, इसीलिए इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेन मार्ग पर जो राम जन्मभूमि मेन मार्ग पर वही ब्रेकर जो हमने आपको पहले दिखाया था वही लग रहा है। साथ में आप देख रहे हैं कि टीन सेट पे कलर करने का और जो कुछ लाइटें अभी नहीं लग पाई हैं उन लाइटों को लगाने का तीव्र गति से काम चल रहा है।
आप देख रहे होंगे, और साथ में यह भी देख रहे हैं कि इसे बीच रास्ते में लगाने का भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि रोकने के लिए, क्योंकि करीब 20 जगह रोकने वाला बनाएंगे तब जाके राम भक्तों को रोक पाएंगे और धीरे धीरे करके राम भक्तों को मंदिर प्रांगण का दर्शन करवा पाएंगे। आप सामने देख रहे हैं व्हील चेयर, इसे निःशुल्क मिलता है, कोई भी व्यक्ति लेकर आ सकता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे जो मंदिर प्रांगण के फर्श का कार्य था वह पूर्ण रूप से पूरा हो चुका, साथ में बगल में जो टाइल्स लगाया गया वहां बैठने की सुविधा है। और आप देख पा रहे होंगे सामने जो L&T के कुछ कर्मचारी खड़े हैं वहां पे, जो मोटा मोटा पत्थर है उसे उठाकर मंदिर प्रांगण के अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे जो निर्माण कार्य चल रहा है, काफी विशाल था उस तरीके से चलने वाला है। इधर देखिए निर्माण कार्य जो चल रहा था, अब उस पे सारे पे पत्थर लग जाएंगे। जितना आप लोग देख रहे थे लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ था, अब सब पूरा पत्थर लग के एकदम मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद कलर हो जाएगा, यानी 22 तारीख तक एकदम रेडी हो जाएगा। तो पीछे का जो कार्य है वो आपने देखा, साथ में हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो टीम सेट लगाने का कार्य था, साथ में उसमें जो लाइटें की व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से लग चुकी है और अभी लग भी रही है, ऐसा नहीं है पूरा कार्य खत्म हो चुका है। और जो कार्य है वह तीव्र गति से चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे राम जन्मभूमि जाने का मार्ग, इस समय हम उसी मार्ग पे हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े गट्ठर पत्थर जो कुछ भी रखे थे सब उठाए जा रहे हैं यहाँ से, और उठाकर उसे सही स्थान पे रखे जा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी तक इसे पूर्ण रूप से रास्ते को खाली कर देना रहेगा। आप देख रहे हैं अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो रामलला के भक्त है भी कार्य कितना भीड़ लगाए हैं, साथ में आप देख रहे हैं अभी हमारे पीछे कार्य चल रहा है, हम अपने कैमरे से दिखा रहे हैं आपको। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आगे का नजारा दिखाते हैं, जो यह लोहे का टर्नल बनाया जा रहा है, यहाँ पे भक्त आएंगे तो उनका सामान का चेकिंग होगा और फिर यहाँ से सामान को चेक करवा के वे मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ से सामान को अपना उठाकर बाहर क्यों निकलेंगे। और जो आप सामने लाइटें दिख रहे हैं वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण का जो निर्माण कार्य है वह तीव्र गति से चल रहा है, साथ में जो आप लाइट देख रहे हैं JCB इस समय चल रही है और उसी से सामान को उठाया जा रहा है, अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। और हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बजरंग दल के और RSS के कर्मचारी खड़े हैं, उनके पास ले चलेंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जो सिल्वर कलर का ये ब्रेकर है सामने रख दिया गया है और धीरे धीरे करके इसे मेन रोड पर लगाया जाएगा, तब जाके कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में किया जाएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बजरंग दल के जो कर्मचारी हैं उनके पास पहुंच चुके हैं और वे लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण का जय श्री राम करके नारा लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रशासन भी काफी सक्रिय है, फिर भी यहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, इसीलिए यहां पर जय श्री राम का नारा जब से उद्घाटन कार्य के लिए मंजूरी मिली है तब से लेकर और आज तक लगातार RSS के कर्मचारियों के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस के साथ साथ यहां पर PSC बल और कैट ब्लैक कैट कमांडो व अन्य कर्मचारी भी खड़े हैं, हम सबको आपको डिटेल में दिखाते रहेंगे, आप लोग केवल वीडियो पर बने रहिए। साथ में आप देख रहे हैं यहां पर न्यूज कर्मचारी और पीछे राम जन्मभूमि के आप देख रहे हैं स्पेशल स्टाफ के जो फोर्स है वे सब खड़ी है, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण का उद्घाटन कार्य करना है, इसीलिए यहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि करोड़ों भक्त आने वाले हैं ऐसा इसीलिए। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पीछे का नजारा, अभी आपने देखा था यहाँ पे जो बजरंग दल के कर्मचारी थे वे सभी हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। साथ में आप देख रहे हैं इस समय हम लोग एंड पॉइंट पे हैं, यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे अमावा मंदिर दिखने लगा है, यहाँ पर ये जो पथ मार्ग का कार्य था यह खत्म होता है। साथ में हम आपको दीवाल का जो कार्य है, दीवाल पर का जो पूर्ण रूप से कार्य था हम आपको नहीं दिखा पाए थे, तो हम वो कार्य भी आपको दिखाएंगे, आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। साथ में ही यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो फर्श का निर्माण कार्य है वह पूर्ण रूप से अष्टकोण में किया गया है और इस समय रात के करीब 9 बज रहे हैं और 9 बजे इतना भीड़ है, जबकि मंदिर प्रांगण का जो बंद होने का कार्य करीब 7 बजे ही है।
और 9 बजे तक भी यहाँ कर्मचारी लगातार घूम रहे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं आपको और पूरा नजारा दिखाएंगे आपको वीडियो में। जो मीडिया के कर्मचारी हैं वे लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं। इस समय अयोध्या में करीब 100 से अधिक मीडिया कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो राम जन्मभूमि की जो पुलिस कर्मचारी हैं वे भी काफी सक्रिय हैं। आप देख पा रहे होंगे आगे पीछे कैट कमांडो भी लगाए गए हैं, साथ में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मचारी भी आगे खड़े हुए हैं। और अब आप देख पा रहेंगे कि जो अमावा मंदिर है वहां पर एक कार्य लिखा है, जहां राम है वहां भय नहीं और न ही कभी पराजय होगी। यह चीज महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था। और अब आप देख रहे हैं अमावा मंदिर के ऊपर आपको देख रहे हैं स्वर्ण कलश दिखाई दे रहा होगा, और जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो स्वर्ण कलश आपको दिखाई देगा जो कि 8 मंजिले का होने वाला है। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अयोध्या में उसे भक्तों से ज्यादा तो प्रशासन ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा उत्सव होने वाला है। 22 जनवरी को दीपावली मनाया जाने का अवसर प्राप्त होगा पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि हमारे रामलला मंदिर प्रांगण में विराजमान होंगे। और जो आप देख रहे हैं सामने जो लोहे का बन रहा है, इसे पहले पूरा लोहे का स्ट्रक्चर था, पर इसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि उसमें टीना लगाया जा रहा है, टीने के ऊपर पत्थर लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्रेन के द्वारा पत्थर को उठाया जा रहा है और फिर पत्थर को वहां ऊपर टीन सेट पे पहुंचाया जा रहा है, जिसके द्वारा ही इसका निर्माण कार्य हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग का कार्य लगातार चल रही है, साथ में ही अभी मंदिर प्रांगण का उद्घाटन समय कुल मिला के 2-3 दिन बाकी रह गया है, और करीब 5 दिन के आसपास बाकी रह गया, तो फिर भी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हालांकि 5 दिन के अंदर पूरा कार्य खत्म हो जाएगा, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथ में ही आप देख पा रहे होंगे जो नीचे है वह जो परिपूर्ण व्यवस्था किया गया है वह मंदिर प्रांगण की तरफ से ही किया गया है, और बहुत लोग कहते थे कि मंदिर प्रांगण के निर्माण में काफी ज्यादा पैसा लग गया है, पर आज हम आपको बता दे रहे हैं कि मंदिर प्रांगण के तरफ से 11 करोड़ भक्तों से 9 करोड़ रुपए लेने की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस समय 3200 करोड़ रुपए दान आ चुके हैं, जो कि उसे बैंक में जाकर FD किया गया और उसके द्वारा जो पैसा निकाला गया है उसी से मंदिर प्रांगण का निर्माण कार्य हो रहा है। किसी भी प्रकार से किसी भी भक्त से या किसी भी सरकार के द्वारा मंदिर प्रांगण के निर्माण कार्य में कोई भी पैसा नहीं लिया गया। आप समझ सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के जो यह रास्ता बनाई है करीब 36 करोड़ में बना था, फिर इसे तोड़ के दोबारा बनाया गया, तब इसमें करीब 100 करोड़ के आसपास लग गया, जो कि मंदिर प्रांगण का जो प्रमुख रास्ता है काफी सराहनीय रास्ता बनाया गया है। 800 मीटर का जो यह रास्ता है काफी अच्छा है, इसे 800 मीटर करीब 100 फीट के आसपास इसे चौड़ा बनाया गया, और इसमें 3 रास्ता बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि जाने का मार्ग एक रास्ता तो ये होने वाला है, दूसरा रास्ता बगल और तीसरा रास्ता उसके भी बगल में। आप देख पा रहे होंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में जाने का मार्ग एकदम सीधा है और दूसरा मार्ग ये है और तीसरा मार्ग सामने है। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने राम भक्त हैं जो राम जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, जैसे बिहार से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ निशुल्क पेयजल की व्यवस्था है, राम जन्मभूमि मंदिर के पथ मार्ग पर निशुल्क पेयजल की व्यवस्था, निशुल्क प्रसादन की व्यवस्था, साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरती पास, यहाँ भी लॉकर की सुविधा आपको दी गई है, साथ में यहाँ सुरक्षा की सुविधा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको सुरक्षा की सुविधा है। आप देख पा रहे होंगे लोग राम जी के भक्त जितने हैं सब जमीन में लेटे हैं और ऊपर से प्लास्टिक का बोरा ओढ़ लिए हैं, जब उन्हें ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो वे प्लास्टिक का बोरा ओढ़ लिए हैं और वे लोग बैठे हैं। इस समय रात का समय है और करीब 11 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे 11 बजे का नजारा है अयोध्या के राम जन्मभूमि पथ मार्ग पर, कितना चहल पहल है। आप देख पा रहे होंगे अभी भी टूरिस्ट गाइड जो हैं वे टूरिस्ट अपने टूरिस्ट को समझा रहे हैं कि सुबह कब कैसे कहां जाना है इसके बारे में, और पूरी तैयारियां वे करवा रहे हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहां पे जो मेन मार्ग पे जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो टाइल्स लगाई जा रही है, साथ में आगे जो ब्रेकर बनाया जा रहा है वे भी आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से करीब 20 ब्रेकर के आसपास बनाया जाएगा जो कि राम जन्मभूमि पथमार्ग पर बन रहा है, क्योंकि भीड़ अधिक हो जाएगी तो रास्ता की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं जो मंदिर प्रांगण के सामान ही खिड़कियां जो बनाई गई हैं, इसमें 2 प्रकार से पत्थर लगे हैं, एक सफेद पत्थर जो कि मिर्जापुर से आया है और दूसरा लाल पत्थर जो कि राजस्थान से आया। और अभी पत्थर नीचे आप देख पा रहे होंगे रखे हैं, अभी इनका काटने का कार्य, उसमें नकाशी बना हुआ है, काटने का कार्य और लगाने का कार्य
अभी बाकी आप देख पा रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर को काट लिया जाता है, तब जाके यहाँ खिड़की में लगाया जाता है और उसी प्रकार से इसका डिजाइन बनाया जाता है। पहले काटा जाता है, फिर उसमें घिस घिस कर उसकी डिजाइन बनाई जाती है। इसी प्रकार से जो मंदिर प्रांगण के प्रमुख गेट का जो रास्ता है, यह संपूर्ण मतलब अमावा मंदिर से लेके आपको जो बिरला धर्मशाला मंदिर है वहां तक दिखाई देगा, जो राम जन्मभूमि का प्रमुख गेट है। 800 मीटर का जो रास्ता बन रहा है, 800 मीटर तक यही बना हुआ है। फाइनली गाइस आप लोग देख रहे हैं जो निर्माण कार्य था दीवाल का, वो काफी अच्छे तरीके से कर दिया गया है। दीवाल की जो आकृति है काफी भव्य और दिव्य है। साथ में आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैठने की भी सुविधा है। जब आप मंदिर प्रांगण में आएंगे, मान लो थक गए दिन में आ रहे हैं और थक गए तो बैठेंगे कहाँ, तो आप बिना बैठे ये देखिए आप यहाँ ये बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे दो चार लोग पांच लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। काफी जगह भी है और जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे टूटा फूटा पत्थर भी अभी रखा गया है। इन सब हटा दिया जाएगा 22 जनवरी से पहले पहले, पूर्ण रूप से निर्माण कार्य है, सब 22 जनवरी से पहले ही सब पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा यहाँ से। और आप देख रहे हैं अभी दूसरा बैठने का स्थान है, इसमें भी नकाशी काफी अच्छे तरीके से की गई, मतलब नकाशी का कार्य जो है। बची हुई जगह है वहाँ पे लोग रास्ते के लिए उधर से जो आना चाहते हैं उधर से वो डायरेक्ट रामगुलेला मंदिर है पीछे। हाँ। से तो जब कोई भी आना चाहता है रामगुलेला मंदिर से तो वह उधर से आएगा, इसीलिए यहाँ पे सीढ़ी लगाई जाएगी। तो यहाँ सीढ़ी का कार्य चल रहा है, हम लोग आगे चलते हैं और आपको आगे का मार्ग दिखा। और जब हम लोग मंदिर प्रांगण की ओर से बाहर की ओर निकलेंगे तो जो यह खिड़की और जो रास्ते पे जो डिजाइन का कार्य है वह पूर्ण रूप से किया गया है। आप देख रहे हैं जो कमांडो हैं वे लगातार दौड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी पोजीशन लगातार बदल रहे हैं, साथ में मीडिया कर्मचारी भी आगे पीछे लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे क्रेन जेसीबी इन्हीं के द्वारा पत्थर को उठाकर इधर से उधर किया जाता है और रखा जाता है। और हम लोग वापस लौट रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जमीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी जैसे किसी का पैर फिसले ना, इसीलिए इस प्रकार से इसे लगाया गया है। और इसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है तो शुरू से लेकर अंत तक जाता है, मतलब इसी प्रकार से इसे बनाया गया। आप देख रहे हैं टीन में जो लाइटें हैं चार चार पिलर लगाए गए हैं और चारों पिलरों में मतलब ऊपर की ओर जो चार बीम लगाई गई है और चारों बीम में लाइट को लगा दिया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है लाइट रहेगा तो कैमरा जो लगा है उसे भी उसमें साफ दिखाई देगा, इसलिए वहां ऊपर लाइट लगाई गई है और भक्तों को सुविधा हो जिसके लिए एक लाइट की सुविधा। आप देख रहे हैं मेन रोड पे कचरा जैसे सूखा कचरा हो गीला कचरा हो तो कचरे कूड़ेदान में फेंका जाए ताकि रास्ता ना गंदा हो, क्योंकि राम जन्मभूमि के जो कर्मचारी हैं वे लगातार काम कर रहे हैं कुछ साफ सफाई के लिए तो कुछ निर्माण कार्य के लिए। और हम लोग आगे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं वहाँ जो लाइटें टिमटिमा रही है वहीं पे पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया है। साथ में आप देख रहे हैं एनडीटीवी के जो कर्मचारी हैं वे भी हमारे साथ में ही हैं, बगल में चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो आगे का नजारा है आप देख पा रहे होंगे जो फर्श का था कार्य, सड़क का कार्य था वह पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। अभी भी यात्रियों की संख्या कम नहीं हुई है, रात में 11 बज रहे हैं और मंदिर 7 बजे ही बंद हो गया, फिर भी यात्री आप देख रहे हैं अयोध्या में चहल पहल लगातार बनी रहती है। और अब आप देख रहे हैं जो राम जन्मभूमि का जो प्रमुख गेट था, दोनों गेट की दूरी तो हमने आपको बताया ही, साथ में आप देख रहे हैं लॉकर की सुविधा। और यहीं से अभी हम चले थे और यहीं पर हम आपको घुमाकर पहुंचा दिए हैं। यहां पर जो दोनों गेट लगाया गया है यहां पे 400 किलो का जो 600 किलो का ताला जबकि 400 किलो की चाबी हम आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं कि जो निर्माण कार्य कैसे करते हैं, पत्थर को कैसे तोड़ रहे हैं। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे पत्थर को तोड़ने जाने तोड़ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पत्थर को तोड़ रहे हैं, हथौड़ी के लेकर धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। इसमें जो डिजाइन बनाया गया है जो ये टुकड़ी तोड़ी गई है इसी में डिजाइन बनाया जाएगा और इसी डिजाइन को मेन गेट पर लगाया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे तोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है, इसे तोड़ा जाएगा, ये जितना पत्थर है इन सभी को तोड़ा जाएगा। और फिर आप आगे का नज़ारा देख पा रहे होंगे, टीन शेड में लाइटें भी लग गई और इसके बाद में मेन गेट का भी कार्य निर्माण कार्य और बन चुका है और मेन गेट का भी कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने हमारे पीछे जो पथमार्ग था, जो निर्माण कार्य था, लाइटें की कार्य थी, सब पूर्ण रूप से हो चुका है। साथ में लाइट रात का भी दिखाया आपको कि रात में कैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रात में कैसा नजारा है। यहाँ राम जन्मभूमि पथमार्ग का अभी तक हम आपको दिन में अपडेट देते थे लेकिन आज हमने आपको रात में अपडेट दिया कितना जबरदस्त यहाँ का नजारा है। और यहाँ पे जितने लोग आए थे, बजरंग दल के भी काफी सारे नेता थे, तो हमने उनको भी दिखाया है आपको। और वीडियो में तो आपने देखा कि यहाँ की जो दीवार के कार्य थे काफी अच्छे से हो रहे थे, साथ में यहाँ का जो निर्माण कार्य था पूर्ण रूप से हो चुका है। और तो फाइनली गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।